गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण हर हर महादेव कैंप्स वाइब के सब ठीक होंगे। तो भी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अगर जो झटका मशीन जो हमारा है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, कुछ बैटरी में क्या मशीन में कुछ प्रॉब्लम आई, तो कदास मतलब आई थिंक जो बाजू के गांव में जो थुकड़ हुआ वहाँ पे कदास जाना पड़ेगा। तो अगर जो जाएंगे तो ठीक है, वरना तो आपको पता ही है चलो खेत में तो अगर जाएंगे तो ठीक है, वरना जो भी यहाँ पे घर पे या खेत में जो भी काम है वो करेंगे। अब हमारे वीडियो में ये बने रहना, आगे आपको भी पता चलेगा कि क्या काम है और कहाँ पे जाना है। तो चलो नए हो तो अल्लाह सब्सक्राइब जरूर कर देना, अल्लाह वीडियो हमारे पसंद आते हो तो लाइक कर देना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी हम जा रहे हैं हमारे पापा के साथ गेहूं के खेत में, और वहाँ पे मस्त पानी चढ़ाना है, गेहूं को पानी देना है। तो पाइप के टुकड़े जो कपास की और जो कपास में पानी पिला रहा था, तो कपास से गेहूं में लेने हैं जो पाइप के टुकड़े, क्योंकि उसमें अगर गेहूं में पानी चढ़ाना है, पहले कपास में चल रहा था तो कपास पूरी तरह से पानी उसको दे दिया है, तो अब गेहूं की बारी। तो चलो चलते हैं। तो अभी मस्त गेहूं में पानी चढ़ा दिया है, और वहां से यहाँ पे वो थोड़ा आधा पानी मतलब के टपक की टपक में मतलब कपास में जा रहा है, और आधा पानी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अगर पूरा पानी यहाँ पे लेंगे ना तो जो क्यारे है ना तो वो तोड़ डालेंगे, मतलब कि पानी का बहाव ही इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि फिर क्यारे अच्छी तरह से क्या कहते हैं भाई उसको मतलब रोक नहीं पाएगा पानी को, और पानी सारा दूसरे क्यारे में हो जाएगा और डबल क्यारे टूट जाएंगे, तो वैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम ना, इसलिए पानी थोड़ा सा आधा टपक में जा रहा है और आधा यहाँ पे आ रहा है। तो अभी तो मस्त, अब मतलब गेहूं तो पीने आए हैं, दो तीन क्यारे ही अभी पानी पिलाने, फिर मस्त अच्छे तरह गेहूं पी जाएंगे। तो चलो अच्छी तरह से पिला देते हैं। गेहूं में पानी पिला दिया है, और अभी हमने वाल मतलब टपक में पानी स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम खेत हम चलते हैं घर, और बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो पहले चलते हैं घर। तो चलो हमारे साथ, पहले तो हमारे चप्पल वहाँ पे पड़े हैं तो वहाँ से लेके आते हैं, फिर चलते हैं। मस्त घर पे पहुँच गए, और मस्त पहले तो पानी पी लेते, फिर अभी बज गए बार साढ़ा मतलब कि 12:30 बजने को आए हैं, अब देख सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद चलो खाने पे मिलते हैं, और हमारे मम्मी अभी गए हैं गायों भैंसों को मतलब के धूप में से छाँव में लेने के लिए, और हमारे पापा बाहर जो हमने मैंने सुबह में कहा था ढोकड़वा जाना है, तो वो अभी अकेले गए, मतलब के बैटरी में ही प्रॉब्लम थी, जो मशीन आया उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपको मशीन भी बताता हूँ उसका। तो यहाँ पे है मशीन, ओ सॉरी मशीन भी साथ में ले गए, और ये ट्रैक्टर की बैटरी हमने दोपहर में मतलब कि नहीं कल रात को फिट की थी, लेकिन ये भी नहीं चलो। और ये हमारे जतिन भाई के यहाँ मैसिमो महादेव बैटरी पॉइंट, हमने जो आगे की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा है कंपनी मतलब के क्या कहते हैं कि थोड़ी सी मतलब इसमें इसका जो पावर और सब मतलब बहुत साल तक है, मतलब के जो कम बैटरी और बहुत ही ज़्यादा चलती भी है, और अच्छी तरह से पावर बैटरी बैकअप भी बहुत मिलता है, पावर में अच्छी तरह से आपको बेनिफिट हो, देखो लॉन्गर लाइफ, फिर हाई ब्रेड टेक्नोलॉजी ये सब होता होता है, मतलब कि थोड़ा सा हमें तो ये सब अच्छी तरह से आपको मिल जाता है, और मस्त परफॉर्मेंस है बैटरी का। तो अगर आप लेना चाहें तो हमारे जतिन भाई का जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, महादेव बैटरी पॉइंट। तो चलो खाने पे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हमारे पापा गए हैं लेकर, ये तो ट्रैक्टर के है इसलिए थोड़ी सी धूड़ भी लगी हुई है। अभी दोपहर का टाइम है, और हमारे पापा को 11 से, तो इसमें देखो संतरे का जूस निकल रहा है, मतलब के प्लास्टिक का मुँह आता है कप, तो इसमें से निकल जाता है मतलब के सारा रस निकल जाता है, और जो बसा हुआ उसके ऊपर ही रह जाता है। कास्ट नो ग्लास रखा है, कास्ट नो नहीं स्टील नो। तो नो कैंप तो डिस्कशन है आपके सब ठीक होंगे, तो रुपए फोन लगा। तो थोड़ी देर पहले मतलब कि वाला झटका मशीन का जो अर्थिंग करना है, तो उसमें तीन मतलब के जो कोल से बाद में फिर बेड एक लोहे मतलब एक धातु आती है, तो उसका एक प्लेट मतलब कोई भी टुकड़ा हो तो भी चलेगा, और तार और नमक जो देसी नमक मतलब के मतलब कोई बात नहीं, वैसे आता है थोड़ा सा बड़े मतलब साइज में, तो ये
सब पहले तो सीधा हम इकट्ठी करते हैं, तो चलो वहाँ पे मिलते हैं, पहले तो चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, फिर अर्थिंग करेंगे। पुराना नमक मतलब के देखो यहाँ पे सारा मतलब खाने में नहीं यूज होता, मतलब कोई भी अगर आप अर्थिंग या फिर ऐसा कोई काम है तो उसमें यूज होता है। और ये पूरे पहले माटले में ही रखा जाता है, लेकिन खारास मतलब कि उसकी नमक की जो खारास होती है उसकी वजह से माटला पूरी तरह से टूट गया है। तो इसमें चलो पहले नमक लेते हैं। और हमारे वहाँ पे हमारे पापा और हमारे बाजू वाले के खेत वाले हमारे काका मतलब चाचा और ऋषि काका वो दोनों खड्डा कर रहे हैं, तो पहले तो ये लेते हैं। और ये नमक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पहले क्या था पुराना मतलब कि पहले के अभी बैलगाड़ी लेके आते थे, फिर अनाज का थोड़ा सा जितना अनाज आपको देते आप देते उसका तो डबल इसको आपको नमक देता देते थे वो आते। अब तो नहीं आता, अब तो लेना जाना पड़ता है बाजार में और मिलता भी है बहुत कम। तो ये पुराना नमक है, तो इसको तो पहले तो अच्छी तरह से इसके सरिये से यहाँ पे देखो टूटता जा रहा है, मतलब के माटला भी पूरी तरह से खराब हो गया है। तो इसको भी हम इसमें ले लेते हैं, ये पूरे से बड़े तो डालेंगे ऐसे करके, अंदर से तो पूरी तरह से साफ आप देख सकते हैं, बाहर तो क्या माटी और सब इसमें गिरता है तो खराब हो जाता है। इसमें ही रख के भर देते हैं। इसको हाथ से भी हम लोग के देखो पहले के लोग यही खाने में यूज करते थे, आप यकीन नहीं मानो करोगे। अभी भी कहीं गरीब घर या फिर कोई पुराणों में मतलब के जीता है तो खाने में यही यूज करता है। लेकिन अब तो सारा मतलब के टाटा सोल्ट फिर बहुत सारे मतलब के ब्रांड के कंपनी के नमक आ गए हैं, तो खाना में ये तो कोई नहीं उपयोग करता, क्योंकि ये सबको भी मतलब के जो अभी प्योर है उसको उसमें सबको केमिकल मिलावट दिख रही है, और सब जिसमें मिलावट है उसमें सबको प्योर मतलब के दिख रहा है। अब तो क्या करे भाई, लोगों की सोच जैसे जिसकी सोच। चलो इसको लेके चलते हैं। दूध पीना है तो मतलब के उसको बहुत ज्यादा खाली पेट क्या ओ बापा है, उसको कुछ लग गया है यहाँ पे। शाम का वक्त हो गया, हमारे मम्मी गवे भैंसों को ले रहे हैं अंदर, फिर उसको धोना है। और हमारे गप्पे भैया ये अभी दूध का मतलब के दूध पीना है तो वेट कर रहे हैं, खाना है इसको देखो। ये भी वेट कर रहा है मतलब के दूध पीने के लिए। और उसको भी हमारे काबरा भैया उसको यहाँ से ठंडी में से चलो अंदर लेते हैं, और ठंडी भी बढ़ने लगी है शाम, और आप देख सकते हैं कि शाम भी ढलने लगी है। मुलाई लाल तो शाम भी ढलने लगी है और चलते हैं तो डायरेक्ट। और ठंडी मतलब कि अभी से बहुत ज़्यादा ठंडी भी बढ़ने लगी है, तो इसको ले लेते हैं यहाँ से। रुक
रुक जा भैया रुक जा, मतलब कि इसका भी बूढ़ा हो गया, अभी इसकी भी उम्र बहुत हो गई, अभी खेत में चलता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का बड़ा मेंबर है गाय भैंसों के यहाँ पे परिवार। और देखो यहाँ भी सरगो के सिंह में फूल आ गए और सरगो के सिंह भी आने लगी। तो अभी बन रहा है सेव टमाटर का सब्जी और साथ में गेहूं की रोटली। हमारे पापा को तो 11 से तो चिक्कू का जूस पियेंगे, तो चलो और खाने पे मिलते हैं। वैसे भी आज शाम होगी और ठंडी भी बढ़ गई है जैसे मैंने कहा था, तो अब देखते हो कि यहाँ पे भी शाम क्या धूम, मतलब पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और हमारे पूरी भी वहां से ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम कोई आ ना जाए, मतलब कि 2-3 दिनों से हम क्या कहते हैं कि भाई लाया जाए। दीपड़े की बहुत परेशानी है क्योंकि वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये भले वैसे ही तो पूरा दिन सो रहते हैं लेकिन पूरी रात ये झकती है, यहीं पे ही बैठती है, कहीं पे जाना नहीं, बस यहीं पे बैठना, ध्यान रखना। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कहना, और नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर करते रहना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, हरण महादेव, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।